कैथल जिले के आदर्श गांव पाई में युवाओं द्वारा बस स्टैंड में बसों की एंट्री न होने के चलते रोष प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि 3 साल पहले इस बस स्टैंड का निर्माण सरकार द्वारा किया गया था, जहां अंदर बसों की एंट्री शुरू भी कर दी गई थी व एक कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई थी, लेकिन पिछले 1 साल से न तो बस स्टैंड के अंदर बसों की एंट्री की जा रही है और ना ही कोई कर्मचारी ड्यूटी पर रहता है। बस आई बस स्टैंड बना रहे अपना, कितना बड़ा काम है, 15-16 वोटा करा बस स्टैंड बना रहे सरकार ने, पूरी सुविधा दे रही है, लेकिन उरा जो बना रहे अपना कर्मचारी है वो आंदा ही नहीं। पहले एक सुबह सिंह नाम का था, बहुत बढ़िया ऑर्डरिंग करे करता, सारी को संग एंट्री करे करता, ये वो फोन लायर कर रामपड़ना मगर रामपाल है उसका वो आंदा बोली भाई साहब वो तड़की आवे या तो अपनी दे देने, एक मोची बैठे आवे मोची दे जाओ ताला खोलते हैं, बस एक एक तरफ का ताला खोलता रहना, बस आर पार जा सकती ना कुछ, पूरा पूरी दुर्घटना होने का पूरा भय, तड़की आ सकती एक बुढ़िया डायबिटीज में तो बस में सो यार ये बाहर सवारी खड़ी रहे कोई वो नहीं है, इसको क्यों बस इसका ही समाधान होना चाहिए भाई, बस भीतर को बढ़नी चाहिए और अपना कर्मचारी ड्यूटी करे क्या भाई। अर्थ प्रकाश के लिए कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।